हे फ्रेंड्स, अस्सलाम खुशामदी। तो आज हो चुका है ना फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हमारा गोवा में, एंड इतनी लेट हो चुकी थी हम लोगों के ब्रेकफास्ट, तो एज़ यूजुअल स्किप कर ही लिया हमने क्योंकि उठे ही 12 बजे हैं सोकर, एंड उसी के साथ साथ ना फ्रेंड्स आधा दिन भी निकाल दिया अपना। तो अभी ना फ्रेंड्स जो सामने बीच वाला होटल था ना, हम वहाँ आए थे रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड ये देखिए फ्रेंड्स कितना अमेजिंग सा प्लेट है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहती हूँ ना कि ये खाना जो है वो लिटरली बहुत बहुत डिलीशियस है, मतलब हर डिश में, हर सैंडविच में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, एंड शायद ये वाइब ही अलग है यहाँ की। तो खाने का भी जो टेस्ट है ना, इवन जो शेक्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग और डिलीशियस हैं। सो फ्रेंड्स आज का दिन जो है ना वो हमने डेडिकेट करा है अपना रिलैक्सिंग डे में, क्योंकि आप गोवा आते किस लिए हो, रिलैक्स करने, माइंड रिफ्रेश करने एंड एंजॉय करने। तो आज ना हम पूरे दिन ना फ्रेंड्स रहने वाले थे अपने होटल में एंड अपने पूल में जो है वो एंजॉय करने वाले थे। आज तो पूल पे सुबह से ही ना हमने कब्ज़ा कर ही लिया है, मतलब जब से उठे हैं आए हैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। एंड फ्रेंड्स बिलीव नहीं करोगे, अभी ना एक कपल बैठे हुए थे, मतलब यही लोग बैठे होते जिन्हें आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इनके ऊपर ना फ्रेंड्स कोकोनट गिर गया। ओ माई गॉड, मतलब मैं इतना डर गई थी ना कि मैं फ्रेंड्स इन पेड़ों से ना बड़ा दूर दूर सा चल रही थी। खैर उनके सर पे नहीं गिरा था, थोड़ा दूर पे ही गिरा था। एंड ये देखिए जनाब अपना पूल में अलग ही इंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अख्तियार को तो इतनी अच्छी स्विमिंग आती है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पूल में एंजॉय कर पा रहा था। लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे स्विमिंग का सा भी नहीं आता, मतलब मैं पूल में भी ना ये देख के उतरती हूँ कि कमर तक पानी है या शोल्डर तक पानी है, मतलब मेरा फेस जो है वो पानी के ऊपर ही रहना चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है पानी से, क्योंकि अख्तियार स्विमिंग कराना सिखाता भी है ना तो वो डुबाने लगता है, तो मुझे ना सीखना ही नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दूर छोटे पूल में जहाँ सिर्फ ना वेस्ट वेस्ट तक पानी था, बस वहाँ बैठ के मैंने इंजॉय कराया पूरा टाइम। एंड ये देखिए इतना ज़्यादा थक गए थे ना फ्रेंड्स हम लोग के रूम में आ गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, एंड रेस्ट करते करते अख्तियार कब सो गया पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। एंड ये देखिए मैंने सोचा ना कभी वुडन घर बनवाऊँगी तो ऐसी सीलिंग रखने वाली हूँ, तो मैं ना फ्रेंड्स बाहर बीच पर आ गई क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख। एंड मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था खाना, सबसे पहले तो मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर करा था क्योंकि यहाँ की ना हर चीज़ जो है बहुत डिलीशियस, स्पेशली यहाँ के शेक्स। एंड ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ की ना अभी जो इवनिंग का ना थोड़ा माहौल होता है ना रात का, वो बहुत ही अलग होता है। अख्तियार नहीं आया एंड मुझे फ्रेंड्स इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना कि मैंने सोचा अब क्या उसका उठने का वेट करूँ, मैं जाकर ही थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, फिर उसको जब वो उठ जाएगा तो उसके साथ फिर आ जाऊँगी। एंड फ्रेंड्स ये देखिए ना यहाँ ना इन फॉरनर्स को देख कर ना मुझे एक चीज़ समझ आती है ना कि हम पता नहीं क्यों ना इतनी दुख भरी लाइफ जीने पर मजबूर रहते हैं ना। इनकी एज देखो, ये कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, इन्हीं से कुछ सीख लो। ये लोग कितने दूर से गोवा आते हैं, इन्हें कितना टाइम लगता होगा, मैं यही सोचती हूँ। एंड हम इतने पास होने के बाद भी ना अपनी लाइफ इंजॉय नहीं करते। चलो गोवा छोड़िए, कहीं भी घूमिए, अपनी लाइफ इंजॉय रहिए, खुश रहिए, मतलब यही तो लाइफ है ना। उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है ना कि आपको बहुत सारी लाइफ मिलेंगी, मेरा तो यही मानना है। एंड यहाँ इन्हें देख के ना कपिल गोल्स वाली बात जो है ना वो याद आ जाती है फ्रेंड्स। इस टाइम ना फ्रेंड्स अख्तियार को भी मिस कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे हटाओ यार अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इतनी मुश्किल से मैंने इतना सारा खाना मंगा तो लिया, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं इसे खाऊंगी कैसे क्योंकि मेरा पार्टनर तो सो रहा है रूम में। लेकिन कोई नहीं, अब जैसे तैसे इसको खा लेते हैं एंड फिर वापस चलते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ देखिए रात के बज रहे थे 1, एंड आप मेरी आंखों में नींद देख ही सकते हैं। एंड ये जनाब ना अब उठे हैं एंड अब इनको भूख लगी है, तो वो जो सामने वाला रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया था। एंड अभी ना थोड़े से ही दूर पर ना एक दो रेस्टोरेंट छोड़ के ये एक जगह थी, तो अख्तियार को भूख लगने की वजह से हम वहाँ आ गए थे। एंड ये देखिए जनाब की हमेशा वाली फेवरेट चीज़ बर्गर, क्योंकि इसके अलावा तो गोवा आके ना इनको और कुछ अच्छा लगा ही नहीं, हर जगह हमने बर्गर, नूडल, फ्राई, सैंडविच, चिप्स ये सब खाया होगा। तो बस इसी तरीके से ना आज का भी दिन हो जाता है एंड, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अभी ना मतलब
फेस वॉश वगैरह करके आई थी एंड अपनी क्रीम्स वगैरह पूरे नरिशर्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने स्किन पे अप्लाई करी। तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मैंने सोचा ना आपको थोड़ी सी इस बारे में डिटेल भी दे दूँ कि फ्रेंड्स विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी स्किन को नॉर्मल से ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है इस टाइम पर, वरना आपकी जो स्किन है वो पैची हो जाती है। तो उसके लिए ना मैं फ्रेंड्स यूज़ करती हूँ FSAS का ये फेस हाइड्रेटर जो कि इनरिच्ड है विटामिन ई से एंड ऑलिव ऑयल से, जो आपकी स्किन के लिए कितना यूज़फुल होता है ना, जो बेनिफिट्स होते हैं ऑलिव ऑयल के वो शायद मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना तो देयर आर सो मैनी, मतलब आधे से ज़्यादा जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है ना वो ऑलिव ऑयल कम्प्लीटली सॉल्व कर देता है एंड विटामिन ई। एंड फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से फ्रेंड्स ये बना हुआ है। उसी के साथ साथ नए फ्रेंड ऑल स्किन टाइप है जो आपकी स्किन को है ना जो प्रॉपर नरिशर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो ये जो फेस हाइड्रेटर है वो आपकी नरिशमेंट और फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से जाके ना इसको ज़रूर ऑर्डर प्लेस करें, परचेज करें, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है ना मेरा फेस हाइड्रेटर FSAS का एंड ये वी केयर इनसाइड आउट ही ना ये लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जो ये कह रहे हैं। वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल है और ऑल स्किन टाइप्स है एंड इसके बहुत सारे जो है वो अमेजिंग से बेनिफिट्स भी हैं। एंड यहाँ मैं करी थी इसकी अनबॉक्सिंग, तो ये देखिए ये है मेरा अभी का सबसे विंटर फेवरेट प्रोडक्ट FSAS का फेस हाइड्रेटर एनरिच्ड विद ऑलिव एंड विटामिन। तो फ्रेंड्स इसको नाम ज़रूर जाए और मेरे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक लेकर इसको ज़रूर परचेज करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।